चालू एक्स्ट्रा पेन होगा आपके पास? एक्स्ट्रा नहीं 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 है तो इट्स ओके। कोई नहीं, आप ये ले लो, मैं बाद में काम कर लूंगा। काम करते करते पेन दे दिया, इसका मतलब फीलिंग्स है इसके मन में मेरे लिए। कहाँ खोया है भाई, लड़की का चक्कर है? हाँ यार, तेरा भी? हाँ यार है तो। भाई मेरे वाली तो बहुत ही सुंदर है यार। यार मेरे वाली भी बहुत सुंदर है यार, जब भी मैं देखता हूँ ना स्माइल करती है, क्या स्माइल है यार। भाई मेरे वाली इतनी केयरिंग है ना, एक ही पेन था उसके पास, वो भी उसने काम करते करते मुझे दे दिया। इसका मतलब तेरे वाली इसी स्कूल में है? हाँ। अबे मेरे वाली भी इसी स्कूल में है? मेरी वाली तो हमारी क्लास में है। अबे क्या बात कर रहा है, मेरे वाली भी इसी क्लास में? भाई नाम बताना फिर। भाई नहीं, पहले तू बता। चल एक एक लेटर बोलते हैं। एस। मेरा भी एस। एच। मेरा भी एच। ए। ए। तेरा भी है? शालू शकल देखी है तूने अपनी, तेरे मुंह पे थूके भी ना वो। साले थूकेगी तो तेरे मुंह पे, मुझे तो प्यार करेगी। भाभी है तेरी? साले भाभी बोला ना तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे, टुकड़े करके फिर सील के दोबारा टुकड़े कर दूंगा। हाथ लगा के दिखा तू। ले फिर साले। ये दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हैं? अरे ये दोनों नमूने एक ही लड़की को पसंद करते हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। इन दोनों लंगूरों को कौन ही लड़की पसंद करेगी? तुझे हम दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है। तुम दोनों के हमारी पूरी क्लास में कोई लड़का पसंद करने लायक है ही नहीं। Wicked Sunny, क्या बोलता है जाने? ये कौन है भाई? ये कौन है? कोई नया एडमिशन लग रहा है। Here is a new student in our class, Sunny. Introduce yourself. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. Good morning everyone. I'm Sunny. Sunny Singhania. भाई इसका तो नाम भी अमीरों वाला है। सही कह रहा भाई। Actually I was residing in Mumbai before, but due to some reasons I had to shift here. I was feeling little low and out of place initially. But I'm great now. I've heard a lot about the school, faculty and you guys, and I hope this will be a great place for me to give a new start. Thank you. भाई कैसी लगी तेरे भाई की स्पीच? लड़कियों के मुंह देख के खुले रह गए तेरे भाई को देख के। लड़कियां साले जितनी बच्ची खुची थी ना। अबे कहाँ खो गया? हाँ मैं ये कह रहा था यार, वो तूने इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोली बताना, मतलब हमें भी सिखा दे कुछ। तुझे बता रहा हूँ, एक ऐप है डुओलिंगो, भाई वर्ल्ड का सबसे फेमस लैंग्वेज लर्निंग ऐप है और एकदम फ्री, पैसे का कोई झंझट ही नहीं। अच्छा इसमें तो हिंदी से इंग्लिश खेल खेल में सीख जाएगा, बहुत इजीली एकदम गेम की तरह। भाई ये तो करना है मुझे, बताना कैसे करूँ? क्यों फोन नहीं चलाना आता तुझे? सारी लड़कियों के नंबर तो कहीं कहीं से निकाल लेता है, ये भी कर ही लेगा। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। देख सुन, हर लैंग्वेज सीखने के तीन एस्पेक्ट होते हैं, तुझे बोलना आना चाहिए, तुझे पढ़ना आना चाहिए और तुझे सुन के समझ आना चाहिए कि सामने वाला बोल क्या रहा है। ये ऐप तीनों पे फोकस करता है ना मस्त। हाँ तू आए दिन अपना ट्यूशन भी भूल जाता है तो तेरे जैसे भुलक्कड़ों के लिए रिमाइंडर भी देता है ताकि लर्निंग की हैबिट बन जाए। ज्यादा नहीं बस रोज के 10 मिनट देने हैं। भाई जैसे थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती है मुझे, लेवल किस टाइप से होता है इस पे? अबे जितना तेरा लेवल बढ़ता जाएगा उतनी तेरी ट्रेनिंग एडवांस होती जाएगी। भाई फिर मैं तेरे जैसे इंग्लिश बोल पाऊंगा? खाली इंग्लिश ही नहीं, इसमें और भी 40+ लैंग्वेजेस हैं, लाइक जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच और भी बहुत सारी। अबे ये अलग अलग लैंग्वेजेस सीख के मैं करूंगा क्या? अबे उल्लू तेरे को जितनी न्यू लैंग्वेजेस आती होंगी उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी तो बढ़ती जाएंगी। और सुन, डुओलिंगो में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे जॉब, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज, जिससे तेरे को अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने में और आसानी हो जाएगी। सही है, चलो अब गुरुजी के पैर छुओ और निकल लो। थैंक्स मेरे भाई। डाउनलोड करो डुओलिंगो फॉर फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यार मुझे तो ना क्लास में बिल्कुल समझ नहीं आता, ये सर हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सही कह रही है, पीटीएम में पेरेंट्स के सामने कहते हैं 100 बार पूछो हम बताएंगे, और जब क्लास में पूछो तो डांटते हैं। यार मैं तो माता सर के यहाँ ट्यूशन लगा रही हूँ, मैं एक भी नंबर कटना अफोर्ड नहीं कर सकती अब। अच्छा माता सर के यहाँ टाइमिंग्स क्या है? मेरा टाइम तो 5 बजे है। माता सर? मम्मा मुझे ना ट्यूशन लगानी है माटा सर पे मैथ्स की। मैथ्स की? बेटा तू तो कह रहा था टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं स्कूल में, और कल तक तो तू कहता था कि उनसे होशियार तू है, उन्हें कुछ नहीं आता। मुझे आज ही समझ आया कि माटा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मेरा रिजल्ट इम्प्रूव हो जाएगा। बेटा 99% तो पहले ही आते हैं तेरे, 100 से ऊपर लाके क्या करेगा। पढ़ने के लिए तो कह रहा है, चल लगा ले। हाँ भाई बड़ा कुछ आगे? नहीं यार। भाई तू चक्कर ही काटता रह जाएगा, कुछ तो कर। भाई मेरे में हिम्मत नहीं है उसे बोलने की। भाई तू लिख के दे दे वरना टूलता ही रह जाएगा उसके पीछे। ठीक है आज पूरी कोशिश करता हूँ। पूजा आप कौन हो और ये क्या है? अंकल
मैथ्स के नोट्स दिखाओ। लकी तुम्हारा मैथ्स का काम पूरा है क्या? नहीं। लेकिन कल तो तुमने मैम को नोटबुक दी थी चेकिंग के लिए। हाँ दी थी, इनकम्प्लीट था। अच्छा तो एक्स्ट्रा पेन होगा? मैं एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करता, एक्स्ट्रा पेन भी नहीं रखता। ओके अच्छा मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बैठ जाओ, मैं उठ जाता हूँ। नहीं नहीं तुम बैठे रहो। तू इसे पसंद करती है? हाँ यार, ये तो बहुत रूड और एटीट्यूडिक है यार, इसीलिए तो पसंद है, किसी लड़की को नहीं देखता है। तो जा फिर बोल दे इसे। नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे बोलना तो पड़ेगा ही, जा। चल ठीक है जाती हूँ। लकी मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो बोलो, इतना हिलने की क्या जरूरत है? हाँ वो मैं ना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अच्छा मतलब मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ठीक है करो। अरे करो क्या, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम भी करो ना। अरे ये क्या जबरदस्ती है? नहीं जबरदस्ती नहीं, तुम मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करते। करी थी एक बार फीलिंग की कदर जब मैं थर्ड क्लास। अब तुम प्लीज अपना थर्ड क्लास करो ना मत गाना। इसीलिए नहीं करता मैं प्यार। प्यार कर, ओ हो हो प्यार कर। आज तो तुम क्लास में काफी हंस हंस के बातें कर रहे थे नेहा से। अरे नोट्स ले आई थी वो। अच्छा हंस हंस के नोट्स मांग रही थी वो शर्मा शर्मा के। अरे तो वो हंस रही थी तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम भी हंस रहे थे। अरे तो मैंने कभी तुझे कुछ कहा है? तू इंस्टाग्राम पे इतनी सारी पोस्ट डाल दी ऐसे मुंह बना के और छोटे छोटे कपड़े पहन के, अनजान लड़के उस पर कमेंट करते हैं और तू बड़ा खुश होकर रिप्लाई करती है, मैं कुछ कहता हूँ? अच्छा ये बात थी जो तुम इतने दिन से अपने मन में लेके बैठे थे। ठीक है मैं तो नहीं डालूंगी पोस्ट। तुम भी किसी चुड़ैल से बात नहीं करोगे? चुड़ैल? किसी लड़की से नहीं करोगे? डम्ब। हाँ ठीक है नहीं करूंगा। चलो ठीक है मिलते हैं शाम को 4 बजे। हाँ ठीक है ठीक है। हाय। क्या है? हाय टाइम देख रहे हो? हाँ 4 बज गए। 4 बज रहे हैं? 4:05 हो रहे हैं। हाँ मतलब 4 ही तो होते हैं, 5 मिनट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना तुम्हारी लाइफ में। नहीं मतलब हाँ है, तो नाराज मत हो। नहीं तुमने सोचा है कि मैं लड़की होके तुमसे पहले पहुंच गई 5 मिनट? अरे कोई ना कोई तो पहले आता ही ना। तुम पहले आ गई, अगर मैं आता तो मैं नाराज थोड़ी ना होता। तुम्हें एक लड़की की ना इतनी सी भी वैल्यू नहीं है। यार मैं तो बहुत खुशी खुशी आया था, मैं तो सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो क्या है? संभाल के जाना। मतलब मैं जाऊँ? जाओ। नहीं नहीं मत जाओ, मतलब जाओ नहीं मत जाओ। यू आर डिस्गस्टिंग राज। नहीं अच्छा मैं रात को कॉल करूंगा, ठीक है उठा लेना, मैं सोऊंगा नहीं वरना। सुन यार मेरे को टाइम से पहुंचना चाहिए था, मेरी गलती है। अच्छा मैं पक्का तेरे को कभी परेशान नहीं करूंगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का। अच्छा छोड़ो, तुम्हें याद है अगले हफ्ते क्या है? क्या है तुम बताओ, तुम ही बता दो ना। अरे अगले हफ्ते हमें 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। तुम्हें याद है तुमने मुझे प्रपोज किया था, तुम सारा दिन मेरे पीछे घूमते रहते थे, इतनी सारी चॉकलेट्स लाए थे, इतने सारे रोजेस। राज राज। हाय गाइस, तो ये थी मेरी वीडियो स्कूल के प्यार पे। अगर ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। चलो ठीक है बाय।